ऑल मिनिस्ट्रीज वी हैव टू स्टेप अप टू इंश्योर कि ये जो ड्रैग है SOEs का, इसको हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाएं. तो आई जस्ट स्पेंड कपल ऑफ मिनट्स इन टर्म्स ऑफ द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ इट एंड देन वी कैन से वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर इन टर्म्स ऑफ रोड टू मार्केट्स. क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करूँगा एज वी गो फॉरवर्ड कि हाउ डू वी गेट आउट ऑफ द फंड प्रोग्राम एंड दैट्स ओनली वे इज टू हैव अ वेरी क्लियर रोड मैप इन टर्म्स ऑफ रोड टू मार्केट्स. बट बिफोर वी गो देयर लेट्स कम टू दीज थ्री आइटम्स. सो जो टैक्स का जो एलिमेंट है उसके दो पहलू हैं. वन इज द पॉलिसी एंड द एनफोर्समेंट गैप एंड द अदर इज ऑब्वियसली ब्रिंगिंग इन द अंडर टैक्स एंड अनटैक्स सेक्टर्स इनटू द नेट. जो इन्फोर्समेंट वाला डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. उसके दो पहलू हैं अगेन. वन इज वेयर वी हैव द फंक्शनैलिटी एंड वी हैव जस्ट हैवन डन इट. सो ट्रैक एंड ट्रेस की हमारे पास फंक्शनैलिटी है, इम्प्लीमेंटेशन इज लैक्स एंड देयरफॉर ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस इज वेरी लिमिटेड. तो वो ये जो एनफोर्समेंट एलिमेंट्स हैं इनको हमने दुरुस्त करना है. उसी के सिलसिले में देयर आर अबाउट 1.7 ट्रिलियन की लिटिगेशन इज पेंडिंग विद द टैक्स ट्राइब्यूनल्स. अब इस फिगर को आप देखिए कि इस साल का जो बजट है वो इज 9.4 ट्रिलियन एंड इंशाल्लाह वी आर वेल ऑन आवर वे टू मीट दैट बजट. बट वी डोंट मेक डिसीजंस एज अ कंट्री. जो मैं बार बार बात में कहता रहा हूँ कि छोटा से छोटी कंपनी हो बड़े से बड़ा मुल्क हो, टाइमली डिसीजंस, टाइमली एग्जीक्यूशंस. सो इन कंजंक्शन विद द लॉ मिनिस्टर एंड अटर्नी जनरल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि ये चीज़ एग्जीक्यूटिव के पास है. क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि आप चीफ जस्टिस से क्यों नहीं जाकर बात करते. चीफ जस्टिस तो मैं उस वक्त जाकर बात करूं अगर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला हो. ये तो ट्राइब्यूनल्स हैं. ये ट्राइब्यूनल्स वो हैं जहां से FBR के लोग जाते हैं और लॉ मिनिस्ट्री से लोग जाते हैं. दैट्स हाउ दीज ट्राइब्यूनल्स आर स्ट्रक्चर्ड. सो इट्स वेरी मच इन द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव. सो वी नीड टू फिक्स इट, नॉट द कोर्ट. और इनकी एज आई सेड लॉ मिनिस्टर साहब की मदद से वी हैव रिक्वेस्टेड दिस ट्राइब्यूनल्स कि दे मेक डिसीजंस in the next 3 to 4 months and we will also change people in these tribunals as we go forward. So ye to wo hai cheeze jo hamare control mein hai and we need to fix them in terms of short term measures and we have already started this this thing. We are not waiting for EFF, we are not waiting for the extended facility because ye cheeze hamare control mein hai. And then of course bringing in from the under tax and untaxed aur usme hame provinces ke sath bhi milkar chalna padega और उनके मुशावरत से चलना पड़ेगा. बिकॉज सम ऑफ द टैक्स एस्पेक्ट्स आर नाउ वेरी मच आफ्टर ए डिवॉल्व सिचुएशन इज इन देयर परव्यू. सो उनकी भी हम मदद हासिल करने की इंशाल्लाह इसमें कोशिश करेंगे एज वी ब्रिंग दीज सेक्टर्स इनटू द नेट एज वेल. सो दैट वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स 13 to 14% ऑफ टैक्स टू GDP इनटू अ मोर सस्टेनेबल रेंज इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 3 to 4 years. The next one is, as I said, energy. और चूँकि ministers खुद आ रहे हैं वो खुद बात करेंगे. I think Avais is already working on first of all dealing with the corporate governance. वहाँ भी यही सिलसिला है कि जो leakages हैं in the system, and leakages are euphemism for outright theft, and therefore the enforcement element has to come in on that side in the short term. And then whatever you know we are trying to do in terms of जो कॉर्पोरेट बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के उनको रिड्यूस किया जाए, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ज़्यादा लाया जाए. एंड ही इज़ वर्किंग ऑन इट एंड आई एम श्योर ही विल टॉक अबाउट इट व्हेन ही इज़ हियर विद ऑल ऑफ यू. और उसके बाद इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हमने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लेके जाना है, वेदर वी गो द कंसेशन राउट अला टर्किया और वी एक्चुअली गो फॉर द प्राइवेटाइजेशन राउट, यू नो रिमेंस टू बी सीन. बट एज फार एज आई एम कंसर्न इट्स it can be a combination of both as well. Aur isme GenCos ka hai, gas allocations ka issue hai, whether we are going with the right merit order etc. because a lot of thing is that the demand is going down, we are going off grid, uske wajah se capacity payments badh rahi hai. So we have to look at this equation very holistically between the power minister and the petroleum minister and myself as we go forward. Inshallah we'll do that.
on the on in the medium term on that aspect. Baki rahi SOE reforms ki or privatization ki, as you see, PIA is an asset which is in play right now. Uske expression of interest ja chuke hain. We are expecting the bids to come in. Aur uski simple baat ye hai ki we cannot afford these type of losses year after year after year. It's as simple as that. और हमारे नेबरली कंट्री में जब ये चीज़ गई है, वेदर इट्स एन फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर, यू नो इट्स द एयरलाइन देयर इज लुकिंग वेरी गुड एंड वर्किंग वेरी वेल. दादर इज इस्लामाबाद एयरपोर्ट, उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है, बट वी वांट टू एक्सेलरेट दिस प्राइवेटाइजेशन एजेंडा एज वी गो फॉरवर्ड. तो इसलिए ये जो IMF वाली डिस्कशन होती है, तो वो आमतौर पर यही पूछा जाता है कि जी अब और आप पे वो क्या करने वाले हैं. कुछ नहीं करने वाले. If these are the kind of things which we need to do as a country, I keep on repeating that this is therefore Pakistan's program, which is helped, supported, assisted by the fund. Isko hame is tarah dekhna hai, because ownership hi usi tarah aayegi. Agar humne ye kehte rahe ki koi aake hamare se karwa raha hai, kuch nahi karwa raha hai. Because this is our requirement as a country if we want to get out of the trap that we are in at this point in time. And we are very committed to actually, inshallah, get it done. Now, coming to the IMF, we had very good discussions in Washington with a view ke we go for a larger and a longer program. People keep on asking me ki uska hujam kya hoga, uske duration kya hogi. That is only, we'll start getting into the contours of that program when the mission is here, inshallah, in middle of May. Or we are hoping ki if all goes well and we agree on the prioritization, and I have no reason to believe we will not agree with the prioritization, because jo hamari priorities hain ultimately those have to be supported by the fund, aur wo hum inshallah agree kar lenge. But we are still hoping ki we can get into a staff level agreement by the time June is done or early July, so that we can move on. IMF is a means to an end, not an end in itself. क्योंकि बात यही होती है कि 24th प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, तो आप कभी इसके बाद भी कोई प्रोग्राम होगा, और उसकी ये मैं दो तीन चीज़ें कहूँगा कि इफ़ यू वॉन्ट टू ब्रिंग परमानेंस इन टू दैट, देन द रोड टू मार्केट. नाउ रोड टू मार्केट